अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद सोरर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ, चिकन लंच बॉक्स। चिकन लंच बॉक्स बहुत मज़े का बनता है, बिल्कुल न्यू रेसिपी है, आप भी घर में बनाएं। बच्चों को लंच बॉक्स में दें, शाम को चाय के साथ कोई मेहमान आए तब भी आप इसको बना सकती हैं, तो सब बहुत पसंद करेंगे। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आइए मेरे साथ। चिकन लंच बॉक्स के लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है। इसके अंदर अब मैं जो डालूंगी चीज़ें वो है 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर डालूंगी कॉर्नफ्लोर के, 1 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून बेसन। अब इसके अंदर हम डालेंगे मसाले, 1 टेबलस्पून नमक का। ये मेरे पास थोड़ी सी सुरख मिर्च मोटी कुटी हुई है, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये 1/2 टेबल स्पून है सुरख मिर्च ना, ये मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून चाइनीज़ नमक, 1 टेबल स्पून चीनी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। चीनी से इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आएगा, आप भी इसमें डालें अच्छा लगेगा। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर डाला है टिक्का पाउडर। ये मेरे पास सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस है, ये इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ। 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर सोया सॉस के डाल दूँगी, 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैं सिरका डालूँगी, 2 टेबलस्पून इसके अंदर चिली सॉस, 3 चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी है। 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैंने अजवाइन भी डालनी है। अब मैं इस मटेरियल को अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं आपको दिखाती हूँ। सब चीज़ें मैंने इसके अंदर मिक्स कर ली है। इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैं सूखा धनिया भी डाल दूंगी, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप भी इसको ज़रूर डालें, लुक बहुत अच्छी आती है, देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत मज़े का ये बनता है। चिकन लंच बॉक्स को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, सब मसाले इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। इसको 2 घंटे के लिए आप फ्रिज में रख देंगे। 2 घंटे हो चुके हैं, मैंने इसको फ्रिज में से निकाल लिया है। घी को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, तो आइए इसको फ्राई करते हैं। घी गर्म हो चुका है, इसको जितना आसानी से इसके अंदर आ सकता है मैं उतना इसके अंदर डाल दूँगी। इसको हमने खुला खुला करके डालना है ताकि एक दूसरे से ये चिपके ना। फ्लेम को हमने मीडियम से लो रखना है और इसको मैंने कवर कर देना है ताकि ये गल जाए। फ्लेम को हमने मीडियम नहीं करना, मीडियम से थोड़ा सा कम कर देना है और इसके ऊपर हम कवर दे देंगे, इसको कवर कर देंगे ताकि जो चिकन है वो अंदर से अच्छी तरह से गल जाए। जी वीवर, जो जो पीस होते जा रहे हैं मैंने उसकी साइड को पलट दिया है। दोनों साइड से हम इसको पकाएंगे, एक साइड 5 मिनट से, दूसरी साइड को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, इसको 10 मिनट लग जाते हैं पकते हुए। साइड पलट के फिर हम इसको कवर कर देंगे। जो जो पीस होते जा रहे हैं मैं उसको निकालती जाऊँगी। इसको मैंने फ्राई करके निकाल लिया था और ये देखे, इसको सैलड के साथ आप खाएं, साथ दही केचप वगैरह जो आप लेना चाहती हैं ले, साथ इसको चपातियाँ भी ले सकती हैं, रोटी वगैरह उसके साथ तंदूरी रोटी के साथ आप खा सक इसको खाएं, बहुत मज़ा आएगा। मेरी वीडियो को देखा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दिया करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें कि फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।